इसमें एक बड़े देसी असले बनाने वाली फैक्ट्री की बरामदगी की है। दो हिस्ट्री सीटर बदमाश पकड़े हैं जो असले बना रहे थे। इनकी जो गिरफ्तारी हुई है थाना कुतुबश्री क्षेत्र के एकता नगर कॉलोनी में एक बंद पड़े घर में, वहां पे असला फैक्ट्री चला रहे थे। भारी मात्रा में बने हुए असले मिले हैं, अगर देखेंगे तो 15 असले बने हुए हैं, तैयार हैं एकदम। काफी भारी मात्रा में बने असले हैं, सामान मिला हुआ है, उपकरण मिला है। अगर इन सामानों को देख ले तो इससे 50 से 60 असले और अभी तैयार किए जा सकते थे। ये इसमें जो तीन अभियुक्त रहे हैं, तीनों थाना कुतुब शेख के हिस्ट्री सीटर अपराधी हैं। सभी पे दो 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 दर्जन, तीन तीन दर्जन के लगभग मुकदमे कायम है। एक इसमें से अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया, फरार हो गया है। जो दोनों की गिरफ्तारी हुई है, दोनों हिस्ट्री सीटर बदमाश है और इनसे अभी पूछताछ हमारी जारी है। इन्होंने अभी तक असलहों की खेप कहां कहां दी है, किसको किसको दी है, उसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। अभी तक से बातचीत से जो इनके इन्होंने बताया है कि चुनाव में असलहों की डिमांड थी, उसके लिए तेजी से काम कर रहे थे, रात दिन काम कर रहे थे। इसके अलावा असलहों की कीमत के बारे में जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि जो अधी 12 बोर की है इसको 15 से 20 हजार में बेचते थे और 315 थाना कुतुब शेख को मिला है। बड़ी कामयाबी थाना कुतुब शेख पुलिस को मिली है। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से पूरी टीम को 25,000 रूपये का नगद पुरस्कार संवर्धन के लिए दिया गया। सर, चुनाव का समय है क्या, ये जो अवैध असला तैयार कर रहे थे यही जनपद के लिए तैयार कर रहे थे या अन्य शहरों में भी इनका? इन्होंने आसपास के शहरों में भी सप्लाई की है। इनसे हम अभी और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और उनका भी पूरा चेन बना रहे हैं। उनको भी हम जल्दी ही राउंड अप करेंगे। तो ये चूंकि इस समय हमारा अभियान चल रहा है और इन सब चीजों पे के अपराधों पे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे अपराधी पकड़े जाए ताकि चुनाव सफल शांतिपूर्वक संपन्न हो, उसी दिशा में बड़ी कामयाबी कुतुब शेख पुलिस को मिली। सर, कुछ कारतूस भी इनसे मिले हैं तो ये बना लेते थे तमंचे, कारतूस का पता चला कहां से आया? ये कारतूस तो ओरिजिनल है, सब किसी भी लाइसेंसी से लिए हैं, उसके बारे में हम पड़ताल कर रहे हैं। ये कुछ कारतूस इसलिए रखते हैं कि कारतूस वैसे नहीं बिक्री करते, कारतूस इसलिए रखते हैं कि अगर कहीं कोई पुलिस वगैरह आ जाए तो हम उस पर फायर करके अपने को भाग सके वहां से। ठीक है।